मुझे लगता है कि जो पिछले समय से कनाडा में इशू क्रिएट हुआ, जैसे निर्जर की हत्या की है, जो कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान आया था, इसमें भारत की एजेंसियों का हाथ है। उसके प्रतिक्रम में मुझे लगता है लंदन के लोगों ने उनको गुरुद्वारे नहीं जाने दिया। दूसरा पक्ष ये है कि गुस्सा है उनके बीच, और जिस तरह से भारत में भी मीडिया का एक हिस्सा, सभी नहीं कहते, जैसे सिखों को आतंकवादी गैंगस्टर के तरीके से बताने का जतन कर रहा है, तो पंजाबियों की इस देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं, उन्होंने 85% इस देश के लिए कुर्बानियां की, तो इस तरह से उसे प्रोजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। तीसरी बात हमारी है कि गुरुद्वारा सभी के लिए है, तो गुरु साहब ने पूरी दुनिया के लिए संदेश दिया, कोई भी गुरुद्वारे आ सकता, सभी को गुरुद्वारे जाने का हक है, तो ये मेरा कहना है। जो आप समझते हैं ये गलत किया है, एक नाराजगी अलग से उनका गुरुद्वारे में आना चाहिए था। हाँ देखिए, नाराजगी तो है, इसमें तो मानना पड़ेगा जिस तरह से जो कुछ भी हुआ, पर मुझे लगता है गुरुद्वारा का बड़ा ब्रॉडकास्ट है, गुरु साहब का संदेश पूरी दुनिया के लिए है। हाँ, कोई भी गुरुद्वारे जाए, अगर गुरुद्वारे की मर्यादा को ठेस पहुंचती फिर तो है, तो मुझे लगता है किसी का हक हो, उन्होंने मुझे लगता है निज्जर के प्रतिकर्म में ऐसा किया।